गूगल का एनुअल डेवलपर्स मीट गूगल आईओ माउंटेन व्यू में कंपनी के हेडक्वार्टर्स में मंगलवार को शुरू हो चुका है, जिसमें सुंदर पिचाई ने एक्सप्लेन किया कि गूगल असिस्टेंट कैसे और भी स्मार्ट होता जा रहा है और ये भी बताया कि इस साल और भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म कौन से आने वाले हैं। गूगल कैंपस पिछले 3-4 दिनों से काफी हलचल से भरा हुआ है क्योंकि दुनिया भर के डेवलपर्स इस 3 दिन के टेक्निकल फेस्ट में भाग लेने के लिए आते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि गूगल के क्या क्या नए हैं। गूगल आईओ में आपका स्वागत है, यहाँ पर आने के लिए आपका धन्यवाद। कंप्यूटिंग में हमारे पास एक महत्वपूर्ण बदलाव का समय था और यह बहुत रोमांचक है कि हम इन टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ा पा रहे हैं। हम इस बात के लिए भी बहुत रोमांचित हैं कि कैसे हम अपने नए मिशन को एक नई ऊर्जा के साथ शुरू कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उस प्रगति का जो AI टेक्नोलॉजी ने किया। हेल्थ केयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बदलाव में AI काफी मदद करेगा। अगर आप 1,00,000 पेशेंट्स के डेटा देखेंगे और एनालाइज करेंगे, जो कि कोई भी डॉक्टर एनालाइज कर सकता है, हम वास्तव में 24 से 48 घंटे पहले ही ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि किस पेशेंट को रीएडमिट करना पड़ेगा और यह तरीका डॉक्टर्स को कुछ करने के लिए और भी ज्यादा समय देगा। एक और उदाहरण लेते हैं जो कि हमारे कोर प्रोडक्ट्स में से एक है और हम उसे AI के साथ रीडिजाइन कर रहे हैं, वो है जीमेल और हम इसे स्मार्ट कंपोज कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम आपके लिए टाइप सजेशंस के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आप टाइप करना शुरू करते हैं, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि टैब बटन दबाना है और ऑटो कंप्लीट होता रहेगा। हम स्मार्ट कंपोज इसी महीने अपने यूजर्स को देने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप इसे इस्तेमाल करते हुए भी पसंद करेंगे। हम एक नया फीचर भी ला रहे हैं जिसे हम कहते हैं सजेस्टेड एक्शंस। उदाहरण के लिए आप एक शादी में जाते हैं और आप उन तस्वीरों को देख रहे हैं। हम समझ गए कि आपकी दोस्त रीना इस पिक्चर में है और हम चाहते हैं कि वो 3 फोटो जिसमें रीना है उसे शेयर कर दें। सिर्फ एक ही क्लिक में वो फोटो उस तक पहुंचा देगा। वैसे AI अचानक कुछ चीजें भी दे सकता है, जैसे कि उदाहरण के लिए आपके पास आपके बच्चे की बहुत खूबसूरत तस्वीर है, हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। हम बैकग्राउंड का कलर हटाकर बच्चे को और भी अच्छी तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, उसे और भी क्यूट बना सकते हैं। या मान लो कि आपके पास कोई बहुत पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, हो सकता है कि वो आपकी मम्मी या दादी की हो, हम उस यादों को कलर में बदल सकते हैं और उन्हें वास्तविक रूप दे सकते हैं। ये सारे फीचर गूगल फोटोज यूजर्स को कुछ ही महीने में मिलने वाले हैं। और आज के दिन मुझे अपने नेक्स्ट जनरेशन TPU 3.0 की घोषणा करने में बहुत खुशी हो रही है। ये चिप्स इतने पावरफुल हैं कि पहली बार हमें अपने डेटा सेंटर्स में लिक्विड कूलिंग का इंतजाम करना पड़ा। तो हमने वेबनेट के साथ बहुत संघर्ष किया और हम आज के दिन 6 नए आवाजों का गूगल असिस्टेंट में जोड़ रहे हैं। चलो इसे हेलो कहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, I'm your Google Assistant. Welcome to Shoreline Amphitheater. We hope you'll enjoy Google I/O. Back to you, Sundar. चलो ईमानदारी से बात करते हैं। जब भी हम अपने असिस्टेंट का ध्यान पाना चाहते हैं, हे गूगल हर बार कहना कितना चिड़चिड़ाहट पैदा कर देता है। अब आपको हर बार हे गूगल नहीं कहना पड़ेगा। हम इसे कंटिन्यूड कन्वर्सेशन कहते हैं और यह सबसे ज्यादा डिमांड में था। जब हमारे बच्चे को आसानी से हे गूगल कह के सारी चीजें मिल जाए तो वे बॉसी बनने या डिमांड करना सीख जाते हैं। हम लोगों ने काफी परिवार और चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट से बात किया और हमने काफी सारा प्लान किया है जो इस साल के अंत में आपको पता चलेगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप गूगल से अपने हेयर कट के लिए ट्यूजडे को 10 बजे अपॉइंटमेंट लेने को कहते हैं। अब ये होता है कि गूगल असिस्टेंट बैकग्राउंड में चुपचाप आपके लिए कॉल कर देता है। बहुत मजेदार बात यह है कि असिस्टेंट पूरी तरीके से बातचीत की गहराइयों को समझता है और हम इस टेक्नोलॉजी पर बहुत सालों से काम कर रहे थे। हम इसे गूगल डुप्लेक्स कहते हैं। ये उन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर काम करता है जिस पे हमने सालों से इन्वेस्ट और रिसर्च किया है, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, डीप लर्निंग, टेक्स्ट टू स्पीच एक्सेट्रा। वैसे जब हम सारा काम कर लेंगे तो असिस्टेंट हमको कंफर्मेशन नोटिफिकेशन देगा कि आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया है। हमने आपको पहले ही हमारे नए स्मार्ट डिस्प्ले का एक झलक दिखाया था।
CES जो जनवरी में हुआ था। हम कुछ बहुत ही बेहतरीन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं और आज मैं ये अनाउंस करते हुए बहुत ही रोमांचित हूँ कि दुनिया का पहला स्मार्ट डिस्प्ले का सेल जुलाई से शुरू होगा। फैमिली के साथ जुड़े रहने से लेकर ब्रॉडकास्ट वीडियो कॉलिंग करने तक या घर के और भी स्मार्ट डिवाइस के साथ मिलकर नजर रखने तक, सुबह उठने के बाद गूगल मैप्स की मदद से ऑफिस रूट देखने तक, हम बहुत ही सोच समझ कर इन सब गूगल के सर्विसेज को एक साथ जोड़ रहे हैं। गूगल न्यूज़ के साथ हम आपको तीन चीज़ें करने में मदद करेंगे। पहला, वही न्यूज़ आपको मिलेगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। दूसरा, पूरा खबर जानने में मदद करेगा। और आखिरी में ये उन्हीं चीज़ों पे मदद करेगा जिसे आप एंजॉय करते हैं। ये हम बहुत जल्द ही एक एंड्रॉइड, iOS और 127 देशों में शुरू करने वाले हैं। ये आज से ही शुरू होता है। एंड्रॉइड पी में खास तीन चीज़ों पे काम हुआ है, इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और डिजिटल वेलबींग। एंड्रॉइड पी के साथ हमने पार्टनर किया है डीप माइंड, ताकि हम एक नए फीचर में काम कर सकें जिसे कहते हैं एडाप्टिव बैटरी। ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपका बैटरी एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अच्छा हो, और ये इस चीज़ को भी समझ के बनाया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इस्तेमाल करने के पैटर्न को भी समझ सके, ताकि बैटरी सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर खर्च हो जिसमें इसकी ज़रूरत है। एडेप्टिव ब्राइटनेस यह सीखता है कि आप किस तरह से ब्राइटनेस सेट करते हैं किसी भी दिए गए माहौल में, और वही वो आपके लिए करता है एक बहुत ही सही तरीके से पावर सेव करते हुए। एंड्रॉयड पी के साथ हम सिर्फ ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये बता पाए कि अब कौन सा ऐप लॉन्च करना है, हम यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपका अगला स्टेप कौन सा होगा। इस फीचर को हम कहते हैं आफ्टर एक्शंस। स्लाइसिस डेवलपर्स के लिए एक नया API है जो रैप UI के लिए एक इंटरेक्टिव स्निपेट बना सके, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं भी रखा जा सके। अगर मैं लिफ्ट टाइप करता हूँ गूगल सर्च ऐप में, तो अब मैं एक स्लाइस देख पाऊंगा जो मैंने फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल किया है कि नहीं। लिफ्ट स्लाइस API का एरे इस्तेमाल कर रहा है जो कि UI टेम्पलेट से भरा हुआ है। उस ऐप का एक स्लाइस रेंडर करेगा सर्च करने के लिए, फिर लिफ्ट उसका रिजल्ट लाकर देगा, और इस तरीके से लिफ्ट इंटरेक्टिव बन गया और इस तरीके से आपका राइड तैयार हो गया। मैं बहुत ही रोमांचित हूँ ML किट की घोषणा करते हुए। एक नया API का सेट जो कि Firebase के थ्रू उपलब्ध है। ML किट से आप डिवाइस पर ही API पा सकते हैं, टेक्स्ट रिक्रिएशन, फेस डिटेक्शन, इमेज लेवलिंग और भी बहुत कुछ। और ML किट ये भी सपोर्ट करता है कि वह गूगल के और भी क्लाउड बेस्ड ML टेक्नोलॉजी पर एक्सेस पा सके। हम ये सोचते हैं कि उपभोक्ताओं को डिजिटल वेलबींग चार तरीके से मदद कर सकता है। हम आपकी मदद करना चाहते हैं ताकि आप अपनी आदतें पहचान सकें, उस चीज में ध्यान दें जो जरूरी है, स्विच ऑफ करें जब जरूरत हो, और सबसे जरूरी कि आप अपने परिवार को वक्त दे पाएं। एंड्रॉइड में हम आपको ये साफ तौर पर दिखाएंगे कि आप अपना वक्त किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, आप किस ऐप में कितना समय दे रहे हैं, कितनी बार आपने अपना फोन अनलॉक किया, कितने नोटिफिकेशन आप को मिले। हम ये चाहते हैं कि आप इन सब से और भी बेहतर तरीके से डील कर पाए। एंड्रॉइड पी आपको एक डैशबोर्ड दिखाएगा कि आप अपने फोन के साथ किस तरीके से अपना समय बिता रहे हैं। हम डू नॉट डिस्टर्ब मोड में और भी सुधार कर रहे हैं कि ये सिर्फ साउंड को ही बंद ना करे, बल्कि आपके स्क्रीन पर दिखने वाला विजुअल डिस्टर्बेंस को भी रोके। हमने एक नए जेस्चर का खोज किया है जिसे हम प्यार से शश बुलाते हैं। यदि आप अपने फोन टेबल पर रखते हैं तो यह अपने आप ही डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला जाता है, ताकि आप अपने वास्तविक काम में फोकस कर सकें। कोई मैसेजेस नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं या और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। एंड्रॉइड पी आपको एक कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करने में मदद करेगा जो कि आप तक हमेशा पहुंच सके, चाहे डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो। तो हमने बनाया है विंड डाउन मोड। आप गूगल असिस्टेंट को बता सकते हैं कि आपने किस समय सोने का प्लान किया है, और जब भी वो टाइम आएगा वो खुद ही डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर लेगा और स्क्रीन को ग्रे स्केल में बदल देगा। आज हम अनाउंस कर रहे हैं एंड्रॉइड पी बीटा, और एंड्रॉइड ओरियो में इफॉर्ट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स इजी हुआ है। एंड्रॉइड पी बीटा आज से गूगल पिक्सल और 7 अन्य मोबाइल कंपनीज के फ्लैगशिप फोन पर उपलब्ध रहेगा। मैप्स इसलिए बनाया गया था ताकि सभी को सहारा मिल सके इस दुनिया में जहाँ कहीं भी वे हों। हम अब इस चीज के लिए सक्षम हैं कि हम अपने आप ही नए एड्रेसेस और बिजनेसेस को, जो कि स्ट्रीट व्यू और सैटेलाइट इमेजिनरी से मिले हैं, उसे मैप में जोड़ सके। यह ग्रामीण इलाकों में बहुत ही मुश्किल होता है जहाँ कोई औपचारिक पता नहीं होता, और बहुत ही तेजी से बदलते हुए शहरों में जैसे कि यहाँ पर लैगोस, जहाँ पिछले कुछ सालों में हमने सच में मैप का चेहरा ही बदल डाला है। हम मैप में एक नया टैब ऐड कर रहे हैं जिसे हम कहेंगे फॉर यू। यह इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप अपने पड़ोसियों के बारे में जान सकें, जिनके बारे में आप जानना चाहते हों, जो नए जगह खुल रहे हैं, आजकल क्या चल रहा है, और पर्सनल रिकमेंडेशन।
हमने एक स्कोर बनाया है जिसे कहते हैं योर स्कोर, जो आपके पसंद के जगहों को ढूंढने में मदद करेगा। योर मैच गूगल के इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है, वो सारे इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि मैंने डाला हुआ है, जो भी रेस्टोरेंट मैंने डाला है, जो भी डिशेस मैंने डाला है, जो भी लाइक किया है, जिस भी जगह मैंने विजिट किया है, कुछ भी अगर मैंने अपने दोस्तों से शेयर किया है, उनका ओपिनियन जानने के लिए चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म में शेयर किया हो, हमारे दोस्त भी अपना फेवरेट प्लेस ऐड कर सकते हैं और इस तरह से एक ग्रुप फेवरेट भी तैयार हो सकता है। कैसा रहेगा अगर कैमरा हमारे सवालों का जवाब दे सके? सवाल ऐसे जैसे कि मैं कहाँ जा रही हूँ या मेरे सामने ये क्या है। हमारी टीम इसमें बहुत ही मेहनत कर रही है कि वे कैमरा विजन और स्ट्रीट वीडियो और मैप्स को जोड़ सके, ताकि हम वॉकिंग नेविगेशन को एक रूप में सोच सके। आप आसपास के जगहों को देख सकते हैं ताकि आप जान सकें कि आपके आसपास क्या है। और सिर्फ मजे के लिए हमारी टीम एक मददगार गाइड पर काम कर रही है, जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है, जिससे कि वो आपको रास्ता दिखा सके। VPS विजुअल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि एक बहुत ही एक्यूरेट पोजीशन का अनुमान लगा सकता है। हम सोचते हैं कि कैमरा आपको और भी बहुत सी चीजें देखने और करने में मदद करेगा, इसलिए हमने गूगल लेंस पर काम करना शुरू किया। ओह, ये बहुत ही सुंदर कुत्ता एक पार्क में है, वो एक लबरा डूडल है। लेंस अब स्मार्ट टेक्स्ट सिलेक्शन की मदद से शब्दों को पहचान कर उनको समझ भी सकता है। अब आप आसानी से किसी शब्द को देखकर उनसे जवाब ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आप कॉपी कर सकते हैं एक असली दुनिया से डायरेक्टली आपके फोन पर। अगला फीचर जिसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, वो है स्टाइल मैच। और इसका मकसद ये है कि कई बार आपका सवाल ये नहीं होता कि इसे एग्जैक्टली क्या कहते हैं, आपका सवाल ये रहता है कि इसके जैसे और क्या क्या चीजें होती हैं। आप अपने दोस्त के घर पर हैं और आपने ये ट्रेंडी लैंप देखा और आप जानना चाहते हैं कि और भी इस तरह की क्या क्या चीजें हैं, तो अब इस चीज में आपको लेंस मदद कर सकता है। तो एक आखिरी चीज आज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये है कि कैसे हम लेंस को असली दुनिया में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जैसा कि आपने स्टाइल मैच एग्जांपल में देखा, जैसे ही आप लेंस ऐप खोलते हैं, आप देख पाएंगे कि कैसे ये सारे डिटेल्स आपके स्क्रीन में आ रहे हैं। यहाँ तक कि जिसका इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है उसको टैग भी कर देगा,